सत्तारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सत्तारगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी कर छापे के दौरान टीम के प्रतिबंध दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें, इन दिनों उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने पूरे जिले में बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। वहीं जिलाधिकारी के अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से जगह जगह छापेमारी कर रहा है। वहीं सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी कर दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही प्रभारी चिकित्सक अधिशासक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने बताया कि चेकिंग के दौरान प्रतिबंध दवाइयों और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई। साथ ही बताया कि दवाइयों को कब्जे में लेकर दुकान को सील कर दिया गया है। मेरे पास एक लोकल से इंफॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयां दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे अपने रक्षक के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं, और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पे यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया, और काफ़ी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी यहाँ पे पाई गई निरीक्षण के दौरान। ये यहाँ पे इनको दुकान का कोई ऐसा नाम नहीं है, घर में ये क्लिनिक चला रहे हैं, जिनको लोकल वाले